कभी। यस यस आइए बैठिए अंजलि, अपना परिचय दीजिए बेटा, मास्क उतार लीजिए। सर मेरा नाम अंजलि हाके है, मैं ग्राम गुजर खेड़ी, तहसील सौसर, जिला छिंदवाड़ा जो कि पातालकोट के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की निवासी हूँ। सर मैंने अपनी स्कूलिंग शासकीय कन्या शिक्षा परिषद छिंदवाड़ा से की है और मैंने अपना स्नातक इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज बी मैकेनिकल से किया है। सर मेरी अभिरुचि कराटे अभ्यास करना और सिखाना है। कराटे, कराटे की ट्रेनिंग है। कौन से बेल्ट होते हैं? सब ब्लैक। आपके पास कौन सा बेल्ट है? सर मेरा ब्लैक। शुरुआत कितने बेल्ट है, कहाँ से शुरुआत? सर इसमें 9 बेल्ट। शुरुआत सर वाइट। उसके जज्बात कौन सा मिलता है? सर वाइट के बाद येलो बेल्ट। ब्लू नहीं मिलता? सर वाइट के बाद येलो मिलता है, येलो के बाद ऑरेंज, फिर ब्लू, सॉरी ग्रीन बेल्ट, फिर ब्लू बेल्ट, फिर ब्राउन बेल्ट होता है। इसमें 4 स्ट्रिप्स होती है जो कि ब्राउन 4, ब्राउन 3, ब्राउन 2, ब्राउन फर्स्ट और फिर आपको ब्लैक। कराटे की खेल की क्या खासियत है जो आपको एक अच्छा प्रशासक बनाने में मदद करती है? सर बिल्कुल, सर जो कराते हैं, सर सबसे पहले कराते जो कोई भी खेल होता है वो अनुशासन को मानता है, तो सर प्रशासन में भी अनुशासन का एक महत्व होता है। सर दूसरा जो है कराते जो है सर हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी बहुत आवश्यक है। और सर तीसरा एक सभी के लिए प्रशासनिक अधिकारी के लिए कि हम अपनी रक्षा करते हैं और अपने परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, यस सर। इनसे निपटने के लिए एक महिला प्रशासक के रूप में आप क्या सुझाव देंगे? सर जो महिला अपराध से निपटने की यदि हम बात कर रहे हैं तो सर सबसे पहले महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, सर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के लिए जो सबसे पहला जो हमारा रहेगा सर, जो भी आपराधिक क्षेत्र है वहाँ पे आप जो भी आपराधिक क्षेत्र होंगे वहाँ पे आप सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करें। उससे जो महिलाएं होती हैं सबसे पहले हम उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताएं कि उनके क्या अधिकार हैं, वो किस यदि वो किसी हिंसा से पीड़ित होती है तो उन्हें क्या अधिकार है, शासन की क्या योजना है, उन्हें किस प्रकार संरक्षण दिया जाता है। और सर ये मेरा हर चीज शासन के ऊपर थोप दो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। स्कूलों में बच्चियों को महिलाओं को हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सकते हैं ना? यस सर। सबसे सिंपल काम एज एन एसडीएम आप अपने क्षेत्र में हर स्कूल में बच्चों के अनिवार्य कर सकती हैं? जी सर, मध्य प्रदेश शासन ने से अनिवार्य किया है सर। रमसा होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो प्रदेश में जो खिलाड़ी है कराते के जो प्रशिक्षक ब्लैक बेल्ट वो प्रत्येक विद्यालय छात्रावास में जाकर कराते सिखाते हैं सर। फिर भी हिंसा के महिलाओं के विरुद्ध हिंसक व्यवहार हो रहा है सर? हिंसक व्यवहार का सर जो कारण है सर, समाज में एक सर मानसिकता है जो डोमेस्टिक वायलेंस का क्या कारण है सर? घरेलू हिंसा का कारण सर, इसका जो कारण है सर यदि हम कहते हैं तो सर महिलाएं को स्वयं हिंसा सहने की हिंसा को सह के रह लेती है, उसके प्रति उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाती है। और सर सर दूसरा जो है शराब नशे में व्यक्ति हिंसा करता है। एमपी गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइन जारी की है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेकर के, क्या है वो गाइडलाइन? कोई बात नहीं, इसको जरूर देख लीजिएगा आप, है ना। और खास बात यह है कि ये जो गाइडलाइन जारी हुई थी इसमें फिजिकल वायलेंस के ऊपर तो फोकस किया गया है, बट मेंटल वायलेंस के ऊपर कोई फोकस नहीं है। तो मेंटल वायलेंस से निपटने के लिए आप क्या करेंगे घरेलू स्तर पर? मानसिक हिंसा है ना, कि फिर लड़की हो पैदा हो गई, माँ के घर से यही सिक्के आई थी, यही मिलते हैं ना लड़कियों को ताले, हालांकि तो उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए सर? इससे निपटने के लिए सर हमें जो जो ये जो हिंसा होती है सर मोस्टली सर महिलाएं जो इसके प्रति महिलाओं को ही कहती है कि आप का बेटी बेटी बेटा क्यों नहीं हुआ, एक महिला ही महिला को कहती है सर। इसके लिए हमें लोगों में समझाना पड़ेगा, हमें उन्हें समानता के बारे में बताना पड़ेगा, हमें उन महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में समझाना पड़ेगा कि क्या होता है सशक्तिकरण सर। महिलाओं में महिलाओं को समाज में उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण होता है सर। सक्षम बनाना है ना, कैसे बनाएंगे सक्षम? सर सक्षम सर महिलाओं को सबसे पहला सर बेसिक सबसे स्टार्टिंग सर यही होता है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करो, महिलाओं को जो स्वरोजगार की योजना है उनके उनसे उन्हें अवगत कराओ ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम रहें। महिलाओं को सर उनका यदि कोई कौशल विकास यदि उनका किसी क्षेत्र में विशेष लगाव है तो उस संबंध में सर उन्हें आर्थिक या उसे रोजगार प्रदान करो सर।
ये सौसर प्रसिद्ध जगह है ना? यस सर। जो फेमस सौसर सौसर में सर चमत्कारिक हनुमान मंदिर है सर। देखिए मंदिर तो बहुत सारी जगह मिल जाएंगे आपको, है ना? और क्या संतरे की खेती के लिए? संतरे की खेती के लिए ना। क्या खासियत है यहाँ की मिट्टी की जो संतरा प्रोड्यूस होता है यहाँ पे? सर यहाँ पे जो मिट्टी है सर काली मिट्टी होती है और सर यहाँ की जो जलवायु है थोड़ी गर्म है जो कि संतरे के लिए उपयुक्त होती है सर, इसलिए यहाँ पे संतरा बहुत आयत में पाया जाता है। सर सौसर सिल्क के लिए भी जाना जाता है हथकरघा का सौसर का? सर वहाँ पे चलिए कोई बात नहीं। yes, छिंदवाड़ा है ना? yes, sir. आपकी हॉबी क्या है? कराटे। खिलाड़ियों की स्थिति जब तक वो खेलते हैं तब तक तो फिर भी ठीक रहती है, yes, वो खेल से रिटायर हो जाते हैं तब उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी खिलाड़ी उम्मीद करते हैं। yes, इसके पीछे क्या वजह? सर इसके पीछे सर जो खिलाड़ियों की रिटायरमेंट के बाद जो उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती सर, इसके पीछे वजह होती है कि सर शासन की कोई इस प्रकार से योजना नहीं है कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको कोई किसी प्रकार का लाभ दिया जाए। और सर आज नए नए प्रशिक्षक होते हैं जो खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में सिखाने लगते हैं तो सर वो कहीं ना कहीं उनके लिए सर कमाते हैं, हो जाते हैं। हमारा जो समाज का जो दृष्टिकोण है स्पोर्ट्स को लेकर के वो बहुत अच्छा नहीं है ना? यस सर। बोलते ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो आपने कैसे बैलेंस किया? ब्लैक बेल्ट भी ले लिया और इंटरव्यू तक भी पहुंच गई। दैट इज द एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, है ना? कि एक छोटे से गांव से एक लड़की बालिका यहाँ तक पहुंची है और आप भविष्य की मुझे प्रशासक भी दिख रही है। तो मुझे बताओ बेटा ये बैलेंस कैसे किया आपने स्पोर्ट्स में पढ़ाई में? सर इसका जो मैंने संतुलन स्थापित किया मेरा जो स्कूलिंग हुई सर वो कन्या छात्रावास था सर, कन्या शिक्षा परिषद छात्रावास था जहाँ पे अनुसूचित जनजाति और जनजाति के छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा दी जाती है। तो सर वहाँ पे जो कराते था वो एज अ स्पोर्ट सिखाया जा रहा था, तो सर मैंने उसमें अपनी रुचि दिखाई और मैंने 5 साल में ब्लैक बेल्ट कम्प्लीट किया। और सर मैंने टूर्नामेंट्स भी खेले हैं नेशनल जिसमें मेरा गोल्ड रहा है और सर मैंने इंडो श्रीलंका भी खेला है। ओके ओके, ये जो कराटे का जो खेल है इसमें आपने ऐसी क्या 3 चीजें सीखी जो आपको एक अच्छा अधिकारी बनने में मददगार साबित होंगी? सर सबसे पहला सर कराते जो है हमें डिसिप्लिन और ड्रेस कोड दो चीजों को बहुत महत्व देता है। सर एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है कि आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मल और डिसिप्लिन होना चाहिए। सर दूसरा जो है सर हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो वो एक प्रशासक के लिए आवश्यक है, यदि वो स्वस्थ शारीरिक मानसिक रूप से ना रहे तो क्रियान्वयन नहीं कर पाएगा कार्यों का। प्रशासनिक अधिकारी को हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए ना? यस सर, वो सर आत्मनियंत्रण जो होता है इसमें आपका वो कराते हैं हमको सिखाता है तो सब वो चीज भी प्रशासनिक सेल्फ कंट्रोल। यस सर, यदि हम अटैक कर रहे हैं किसी पे यदि हम प्रतिद्वंदी को कर रहे हैं तो एक लिमिट होती है कि आप लाइट टच कर सकते हैं, तो एक सेल्फ कंट्रोल होता है कि आप कितना अपने अटैक को कितना लाइट ले रहे हैं जो नियम के अंदर में है और आप पॉइंट्स ले सकते ठीक है। ठीक है, बढ़िया परफॉर्मेंस है आपका, है ना? स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में आपने बैलेंस बना करके रखा है, है ना? क्रिकेट के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्रिकेट खेल के कारण दूसरे खेलों को कितना नुकसान या फायदा हुआ? सर क्रिकेट जो खेल है क्रिकेट जो खेल है सर वो हमारे देश में सर देश की को कहीं ना कहीं उसने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है तो वो महत्व रखता है सर। पर इसका दूसरा पक्ष ये भी रहा है कि जहाँ क्रिकेट की बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया वहाँ पे अन्य खेलों को जहाँ तक कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है हम उसे भी जो आमजन द्वारा ना ही महत्व दिया जाता है ना कोई स्पॉन्सरशिप होती है जिससे लोगों का उसकी ओर रुझान बढ़े। IPL का राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो कहीं नहीं लिखा सर, संविधान में कहीं नहीं लिखा है? तो संविधान में नहीं लिखा है पर हमने माना है कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है सर, क्योंकि हमने ओलंपिक में मेडल जीता है, 8 मेडल हमने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है। 1980 के बाद से हमने कोई पदक नहीं जीता सर, उससे पहले जीता है सर हम लोगों ने। इस बार कोई जीता है सर? इस बार हॉकी में नहीं, ओलंपिक में जीता है। ओलंपिक में जीता है, ओलंपिक में जीता है और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहे अपने विवेक सागर। विवेक सागर, यस सर, विवेक सागर रहे हैं, वो भी हॉकी के वो कप्तान हैं। क्रिकेट की तर्ज पर IPL जैसा चला ऐसा किसी और खेल भी बहुत प्रसिद्ध हो गया हिंदुस्तान में जो कि बहुत पुराना खेल है? सर कबड्डी है, कबड्डी प्रो लीग चलता है। तो क्रिकेट की देखा देखी अगर दूसरे गेम्स आगे बढ़ेंगे तो उनका फायदा?
सर बिल्कुल होगा। यदि आप सबसे पहला सर उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, जो बहुत जरूरी होती है सर। यदि ये चीज मिलती है तो अवश्य बाकी खेल भी आगे की। आपके कॉलेज का नाम था इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ बताइए। सर इंदिरा गांधी जो है हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है, और सर ये जो है अपने उनके कार्यकाल में जो घटनाएं जो उन्होंने निर्णय लिए सब उनके लिए जानी जाती है इतिहास। इंदिरा गांधी जी ने भूगोल बदल दिया, कैसे कैसे? हाँ इतिहास तो बहुत लोग बदल दिए हैं, उन्होंने भूगोल बदला है, इन्होंने भूगोल बदल दिया। यस बताएं। सर 1971 में सर जो भारत पाक युद्ध हुआ था सर, उसके उसमें जो हमारी जीत हुई थी उसके पश्चात जो है पूर्वी जो पाकिस्तान क्षेत्र है वो बांग्लादेश के रूप में सर उसका उदय हुआ। इस तरीके से हम भारत का भूगोल। इंदिरा साहनी केस ने आरक्षण की व्यवस्था को बदल दिया, कैसे? इंदिरा साहनी केस, आई एम सॉरी बोल दो बेटा, इतना बढ़िया इंटरव्यू चल रहा है आपका, आप तुरंत आई एम सॉरी बोल दो। एक झटके में सोचने की कोशिश करती नहीं आ रहा ना, तो सोचने से कोई मतलब नहीं, समय बर्बाद मत कीजिए। इंदिरा तुरंत जो सवाल था उस पे आप सोच के अनुमान लगा पाए वो सही था। इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस पे आप अनुमान लगा पाए, बिल्कुल भी आइडिया ना हो ना तो सोचे ना, तुरंत आई एम सॉरी बोल दीजिए, है ना। गुड इंटरव्यू सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस बालिका का इंटरव्यू, और मुझे तो सबसे अच्छा जो है ना ये लगा कि आपने जो है ना स्पोर्ट्स में पढ़ाई में संतुलन बनाकर ऐसे बच्चे तो आगे जाते हैं। नहीं तो सर जब बच्चे ज्यादातर क्या होता है खेल में आगे निकल जाते हैं पढ़ाई में फिसल जाते हैं, पढ़ाई में आगे निकल जाते हैं तो खेल में फिसल भी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ये बैलेंस है बच्ची। और सवाल पूछ लें तो आपके पिता का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम बालकृष्ण है। गलती कर गई ना, श्री श्री तो लगाई ना, आपके पिता हैं आपको तो उनके नाम के आगे श्री नहीं लगाइए। एक और राष्ट्रीय हस्ती है बालकृष्ण जी, राष्ट्रीय हस्ती सर मध्य प्रदेश से संबंधित हिंदी नहीं, राष्ट्रीय राष्ट्रीय हस्ती बालकृष्ण और नवीन साहब के बारे में जानते हैं, शाजापुर कॉलेज उनके नाम तो शाजापुर के राष्ट्रीय हस्ती, वो भी खैर राष्ट्रीय थे बालकृष्ण शर्मा जी भी, पर अभी वर्तमान में जिन्होंने कोरोना की दवाई में बहुत बड़ा योगदान दे रखा है, जिनकी दवाई घर घर में आई है, पतंजलि के बालकृष्ण जो पतंजलि के, हाँ बालकृष्ण पूरा आचार्य बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण पतंजलि के रहे। आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी शिक्षक हैं। शिक्षक क्या पढ़ाते हैं? सर प्राइमरी में पढ़ाते हैं। उनके व्यक्तित्व की तीन विशेषताएं बताइए जिनके कारण वो आपके एक आदर्श पिता बन गए। सर सबसे पहला उनका जो रहा है उनका जिस दौरान उन्होंने पढ़ाई की उनका मानना था, उनको उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में खुद से मजदूरी करके खुद से आय अर्जन करके पढ़ाई की शिक्षा कंप्लीट की है। तो सर वो एक मेरे लिए पॉजिटिव फैक्ट रहा है कि आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत करनी चाहिए। आपकी माता जी का आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव है? हाँ सर बताना चाहूँगी, मेरी माता जी जनप्रतिनिधि है और वो सर मेरे लिए आदर्श हैं क्योंकि वो एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है और एक पॉलिटिक्स में है वो सर सरपंच है गाँव की जी सरपंच गाँव की सरपंच है। वेरी गुड, कितने साल से? सर अभी उनका सर कोरोना के कारण 2 साल एक्सीडेंट हो गया था, 7 साल। 7 साल जिले के परिवार में सबका समन्वय है, पिताजी शिक्षक है, माता जी जनप्रतिनिधि है और ये अच्छी विद्यार्थी खिलाड़ी है, तो पूरा समन्वय है। ठीक है, आपके व्यक्तित्व के पीछे मैं समझ गया कि आपका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली क्यों है। अंजलि तो माँ का प्रभाव ज्यादा है कि पिता का प्रभाव ज्यादा है? मैं कहना चाहूंगी मेरी माता जी का प्रभाव ज्यादा है। अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए वो सशक्त निर्णय लेने में और थोड़ा स्ट्रांग है अपनी चीजों को रखने में, स्ट्रांग लीडरशिप। इंदिरा गांधी से तुलना कर सकते हैं उनकी? हाँ सर, एक सरपंच के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि आदिवासी महिला प्रतिनिधि जो रही है सरपंच के तौर पर, वो निर्विरोध चुनी गई थी और 5 साल उन्होंने बिना किसी विवाद के निकाला है। अच्छा, मैंने बेटा देखा है पंचायती राज व्यवस्था में कि कोई महिला सरपंच बन जाती है तो महिला तो घर पे रहती है, उसका पति काम करेगा, देवर काम करेगा, पुत्र काम करेगा, एसपी साहब बोलते हैं हम लोगों को मजाक में, सरपंच पति। तो आपके गांव में भी ऐसा है कि आपके पिताजी कार्य करते हैं कि आपकी माताजी ने स्वयं पंचायत को अपने हाथ में ले रखा है? सर बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरे पिताजी तो शासकीय शिक्षा के, तो उनकी शिक्षा में व्यस्त रहते हैं, मेरी माताजी इतनी सक्षम है, वो पढ़ी लिखी है, तो वो एक सक्षम जनप्रतिनिधि के रूप में सर वो अकेले संभालती है, अपने निर्णय स्वयं लेती है। सर अपने निर्णय स्वयं लेती है, सर पूरा उनका जो सरपंच का जो क्षेत्र है, पूरी पंच है,
सचिव हैं, रोजगार सहायक पूरी महिलाएं हैं, तो सर महिला सशक्तिकरण का ही सर। वेरी गुड बेटा, कीप इट ऑन। आप बहुत अच्छी बड़ी अधिकारी बनेंगी और अच्छी अधिकारी बनेंगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख करके, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे गांव में भी इतने होनहार बच्चे हैं, है ना। गुड, थैंक यू सर, वेरी गुड।